हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम यहां पर बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल पर। जी हां, एक पजल पे हम बात करेंगे। और इस टाइप की पजल्स हमें SBI हो गया आपका एग्जाम, SBI का एग्जाम हो गया और आपका IBPS एग्जाम हो गया, उनमें देखने को जरूर मिलती है। स्टार्ट करते हैं अपनी पजल को। देखिएगा, पजल कुछ इस प्रकार से है। यहां पर कह रहा है कि देखेंगे 7 पीपल दिए हैं, 7 पर्सनस की बात हो रही है यहां पर, जो कि नेमली हैं PQRST UV। एक हैव अ सेमिनार बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, लेकिन इसी ऑर्डर पे नहीं है। इन 7 डिफरेंट मंथ्स, एक अलग अलग मंथ्स में ये लोग क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं। मंथ्स के नेम दिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये लोग अलग अलग फ्रूट्स और लाइक करते हैं। फ्रूट्स के नेम भी दिए गए हैं, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, लीची एंड एप्पल। लेकिन ये जो ग्रेप्स दिए गए हैं, जितने भी आपके ग्रेप्स हो गया, पपाया, ऑरेंज, बनाना, फ्रूट्स दिए गए हैं, ये भी इस ऑर्डर पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात होती है कि क्वेश्चंस स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत से स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते क्वेश्चंस स्टार्ट कैसे किए जब जिसमें मंथ के नेम दिए जाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको मंथ्स के नेम अगर दिए जा रहे हैं पजल में, तो जो मंथ नेम होते हैं हमेशा वो सीक्वेंस में ही रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी दिया गया, हम लोग क्या सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर मंथ्स के नेम लिख लेंगे। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, इस प्रकार से जितने भी हमारे मंथ्स दिए गए हैं उनके हम नाम यहां पर लिख लेंगे। जून के बाद देखिए दिया गया है अगस्त, अगस्त के बाद देखिएगा अक्टूबर एंड दिया गया है दिसंबर। यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, मंथ के नेम हो गए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लोग रखेंगे, अब हमें ये हमारे हो गए मंथ्स नेम, ओके। देन हम लोग यहाँ पर दोस्तों रखेंगे अब पर्सन्स जो हमारे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे हम लोग पर्सन्स नेम। देन यहाँ पर रखेंगे फ्रूट्स, ओके। चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस देखते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल आते हैं, बस क्या होता है थोड़ा हम लोगों को प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है भाई। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट कहाँ से होता है, देखेंगे आर की बात हो रही है। सबसे पहले बात हो रही है दोस्तों आर की, कह रहा है कि आर हैज वन सेमिनार इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 31। अब आपको पता है क्या कि जो आर है ये 31 डेज से छोटे वाले मंथ पे सेमिनार करता है, लेस देन 31 दिया है, मतलब जो ऐसा मंथ जो 31 का ना हो। और आपको पता है कि यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी हमारे पास मंथ्स दिए गए हैं, इसमें केवल 2 मंथ ऐसे हैं जो 31 से लेस है, एक आपका फैब है और एक आपका कौन सा दोस्तों, जून है, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है दोस्तों यहाँ पर आर जून, आप या जून पे आ सकता है या फिर फैब पे आ सकता है, ओके। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है ओनली टू पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन आर एंड एस, केवल 2 लोग आर और एस के बीच में हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर केवल 2 लोग की बात हो रही है आर और एस के बीच में है। देन अगर यहाँ पर हम फैब पे रखेंगे तो एस हमारा कहाँ पे आ जाएगा दोस्त, अगस्त पे आ जाएगा। अगर हम जून पे रखते हैं तो अगस्त, एस हमारा दिसंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए आगे लिखा है द वन हु लाइक बनाना हैज़ अ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर टी, कहता है जो बनाना फ्रूट्स लाइक करता है वो टी के पहले क्या करता है, इमिडिएटली पहले सेमिनार को अटेंड करता है। फिर देखेंगे ओनली वन पर्सन हैज़ अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक पपाया, कह रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति जो है वो सेमिनार करता है किसके, पपाया जो लाइक करता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, जो पपाया है वो उसका जो मंथ है, यहाँ से हमें कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से मंथ हमारा कन्फर्म होगा, जो पपाया हमारा कहाँ पे आ जाएगा, फैब में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है कि पपाया लाइक करने वाले के ऊपर केवल क्या है, एक ही मंथ है, बल्कि एक ही मंथ की बात होगी, एक ही पर्सन है यहाँ पर, जैसा कि देखोगे आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पर्सन की बात हो रही, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो पपाया आपका आ गया कहाँ पे भाई, फैब में आ गया। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर बात आती है क्या, क्यू हैज़ अ सेमिनार इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक पपाया, जो क्यू है दोस्तों वो इमिडिएटली क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आफ्टर बाद में है किसके, पपाया वाले के। तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों क्यू का प्लेस हमें, तो क्यू का प्लेस हो जाएगा क्या, मार्च हो जाएगा, क्यू का प्लेस जो हो जाएगा मार्च हो जाएगा, यहाँ से कन्फर्मेशन हमें मिल चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर ओनली थ्री पीपल
हैव अ सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द लाइक मैंगो. ओके, केवल तीन लोग क्यू और मैंगो के बीच में सेमिनार करते हैं. देन हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा मैंगो की बात हो रही है. तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि एक दो तीन, तो मैंगो वाला कहाँ पे आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा. जिसको मैंगो पसंद है, मैंगो फ्रूट्स लाइक करता है, वो सेमिनार कब करता है, दिसंबर में करता है. ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं. टी लाइक नाइदर मैंगो नॉर पपाया. जो टी है वो ना तो मैंगो पसंद करता है और ना ही पपाया पसंद करता है. क्लियर है भाई. लेकिन अब देखो यहां पर ये बात हो रही थी बनाना और किसकी बात हो रही थी, टी की. तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर एक बार हम लोग दोबारा से आएंगे. यहां पर लिखा है द वन हु लाइक बनाना हैज अ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर टी. ठीक है, जो बनाना जो करता, जो जिसको फ्रूट्स बनाना पसंद है दोस्तों, वो क्या है, टी पर्सन के इमीडिएटली अबव है. तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया कि टी आपका फैब में नहीं होगा और ना ही आपका दिसंबर में होगा. तो हमारे पास चांस कितने हैं, माय अक्टूबर भी हो सकता है और अगस्त भी हो सकता है. ठीक है भाई, या फिर हमका क्या हो सकता है भाई, जून भी हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे पी हैज़ अ सेमिनार जस्ट बिफोर टी. जो पी है वो एकदम पहले किसके लेता है, टी के लेता है. अब देखिए यहाँ पर जून की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी. अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से कि यहाँ पर बात हो रही है जो पी है वो क्या कह रहा है दोस्तों, टी के जस्ट पहले लेता है. कहने का मतलब है पी और टी कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से रखे जाएंगे, एक ही ऊपर नीचे वाले मंथ में रखे जाएंगे. ठीक है, देन यहाँ पर पॉसिबिलिटी जून और अगस्त की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहाँ की तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, यहाँ की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना. ठीक है, तो जून और अगस्त की बन सकती है, अक्टूबर और अगस्त की बन सकती है, ये तो पॉसिबिलिटी बन सकती है. फिर देखिए आगे लिखा है क्या, वी लाइक एप्पल. वी को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है. फिर देखिए आगे लिखा है द वन हु लाइक ग्रेप्स हैज़ वन सेमिनार इन मंथ विच हैज़ लेस देन 31. जिसको ग्रेप्स पसंद है वो क्या है, 31 से कम है. अब एक बात देखिए, ग्रेप्स की बात हो गई, आपको पता है कि फैब भी कम 31 से लेस देन है और किसमें पपाया आ चुका है. तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जून में होगा. ग्रेप्स वाला क्या कब पसंद करेगा, जून में पसंद करेगा. क्लियर है भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं. चलिए आगे देखते हैं. देखिए आगे क्या लिखा है, द वन हु हैज सेमिनार इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज. जो मार्च में अरेंज करता है उसको ऑरेंज पसंद नहीं है. अब देखो यहाँ पर बात आती है क्या कि, अब यहाँ पर बात आएगी दोस्तों कि आर और हमारी एस की बात आ जाएगी. ठीक है ना, अब देखिए जरा, अब यहाँ पर बात आती कि आर जो है वो 31 से लेस की बात हो रही. तो यहाँ पर तो बात हो चुकी फैब तो होगा नहीं, 31 से क्या हो जाएगा, हमारा जून की बात हो जाएगी. देन हमारा यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आर आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा. और कह रहा है कि केवल दो लोग किसके, आर और एस के बीच में है. ठीक है, तो एस आपका किधर आ जाएगा, आपका आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे मैंगो पसंद हो जाएगा एस को. ठीक है, अब बात आती है टी ओ पी की. तो टी ओ पी क्या प्लेस बचा, ये बचा. टी जब इधर होगा तो पी क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर आ जाएगा. क्लियर है भाई. अब वी लाइक एप्पल, वी को क्या पसंद है दोस्त, एप्पल पसंद है. तो वी आपका किधर जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा वी, और इसको क्या पसंद है, एप्पल पसंद है. तो एप्पल इधर आ जाएगा. देन बचा कौन, एक पर्सन वो बचा है कौन आपका, यू बचा है. क्योंकि यहाँ से यू कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर. ठीक है, ओके, तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया यहाँ पर. चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्रूट्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसा कि कह रहा है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पी हैज़ जस्ट बिफोर टी. ओके, ये हो चुका था. इसके बाद देखिएगा ओनली थ्री पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन क्यू एंड हु लाइक मैंगो. तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था. ओके, देन यहाँ पर देखेंगे, हाँ, टी लाइक नाइदर मैंगो नॉर पपाया. टी को मैंगो और पपाया पसंद नहीं है, ये लाइन हो चुकी थी हमारी. अब देखिए एक लाइन लिखी होगी बनाना वाली, यहाँ देखिएगा द वन हु लाइक बनाना हैज अ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर टी. तो पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा पी आपका कब बनाएगा, बनाना. फ्रूट्स का उसका लाइक होगा, इसका बनाना फ्रूट्स लाइक होगा. देन यहाँ पर देखिएगा कि जो सेमिनार मार्च को करता है वो क्या है, ऑरेंज नहीं पसंद करता. तो ऑरेंज आपका किधर आ जाएगा, टी पे आ जाएगा ऑरेंज. देन बचा एक आपका कौन सा, लीची. तो लीची कब आ जाएगा आपका, आपका इधर आ जाएगा मार्च में. ठीक है दोस्तों, ये हमारा बनके तैयार हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट. पजल, एज अ पजल की बात कर लें, हमारी सॉल्व हो चुकी है. जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर देखिए मंथ बेस्ड पजल होती है, जिसमें क्या होता है, कुछ पर्सन होते हैं प्लस साथ में कुछ उनके डिफरेंट लाइक्स भी रख दिया था. जैसे यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है, हो सकता है आपकी कार्स की बात कर लें, या एंड कुछ डेस्टिनेशन की बात करें, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए. जैसा कि आपको पता है कि SBI प्री एंड IBPS PO प्री में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं. ओके, थैंक यू. तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए. ओके, थैंक यू.